को गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली है। अब दोनों राज्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्यमंत्रियों की चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके लिए भाजपा ने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों के दस्ते को रवाना कर दिया है। राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड की बैठक 11 अशोक रोड बीजेपी के मुख्यालय पर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने की। बैठक में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ साथ संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य। जहाँ तक गुजरात का चुनाव और हिमाचल के चुनाव के नतीजे आए, उस पर तफसील से चर्चा हुई और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, संसदीय बोर्ड ने इस बात को नोट किया कि दोनों ही स्थानों पर, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी, वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है और हिमाचल में 2/3 से ज़्यादा की जीत हुई है। इन सभी बातों पर संसदीय बोर्ड ने जहां संतोष व्यक्त किया, वहीं गुजरात की जनता को और हिमाचल की जनता को संसदीय बोर्ड ने बधाई दी और धन्यवाद दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और विकास पर विश्वास किया है और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यह संसदीय बोर्ड ने किया और उसको उल्लेखित किया। आने वाले समय में नेतृत्व के दृष्टि से गुजरात में हमारे भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और हमारी महामंत्री सरोज पांडे जी ये पर्यवेक्षक के रूप में जाएंगे और वहाँ सभी लोगों से बातचीत करेंगे और विषय को तय करेंगे। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में हमारे भारत की डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और उनके साथ हमारे भारत सरकार में मंत्री नरेंद्र तोमर जी हिमाचल जाएंगे और वहां विचार विमर्श करके नेतृत्व का विषय तय करेंगे। यह आज के बैठक में तय हुआ और साथ ही साथ जहां धन्यवाद दिया, वहीं संसदीय बोर्ड ने नतीजों पर संतोष व्यक्त किया। अकाली दल ने हिमाचल और गुजरात जीत के लिए भाजपा को बधाई दी है। अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा है कि कांग्रेस जातिवाद लाना चाहती थी, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। वहीं हिमाचल में धूमल की हार पर चंदू माजरा ने कहा कि हिमाचल में भाजपा की जीत धूमल की वजह से हुई है। मैं बधाई देना अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात दे विच ते हिमाचल दे विच चोण जीतण दी। गुजरात ते हिमाचल दे लोकां दा सगलों धन्नवाद भी आ कि सरकार कांग्रेस दे जिहड़ा कोड प्रचार सी, खास तौर ते जातिवाद दा निचले पद्धर ते प्रचार करना, भावें ओह मुल्क दे लई बहुत खतरनाक आ, समाज नूं तोड़ दवाई वाला, इहदी परवाह कीते बिना कांग्रेस ने राज सी ला लैण लई जातिवाद नूं उभारिया। पर गुजरात दे लोकां ने विकास नूं उभारिया, तरजीह दित्ती। सो मैं समझदा एक बहुत वड्डा सुनेहा गुजरात की शानदार जीत का, मैं बधाई देना भारतीय जनता पार्टी को। हिमाचल दे विच जीत बहुत बड़ी हुई है, भावें दुख है सानू इस गल का कि श्री प्रेम कुमार धूमल जी सत्ती जी जो प्रधान उत्थों दे बीजेपी दे दोनों हार गए। बिहार सरकार के खिलाफ आज से अन्ना हजारे खिलाफी जंग छेड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के किसान बिहार सरकार के आवास बोर्ड की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें दीघा के किसान आंदोलन की कमान प्रख्यात समाज सेवी अन्ना हजारे को सौंपेंगे। अन्ना किसानों के आग्रह पर इस जंग में भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। फारूक ने गुजरात चुनाव के दौरान मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो खुद पाक गए थे और पाकिस्तान कभी साजिश नहीं करता। आपको बता दें कि भले ही फारूक अब्दुल्ला ने किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में कांग्रेस के निलंबित नेता मणिशंकर अय्यर पर हमला किया है। पाकिस्तान से बातचीत हुई, वो खुद पाकिस्तान में खाना खाने खुद गए थे। जब वहाँ खाना खाया उन्होंने तो फिर क्या, उन्होंने साजिश की उनके खिलाफ। जब खाना खाया, पाकिस्तान कोई साजिश नहीं करता है।
पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आप ने पंजाब में नगर निकाय चुनाव में बेहद खराब परिणामों का सामना किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पंजाब विंग में बदलाव करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पंजाब में अहम जिम्मेदारी दी है। सिसोदिया को पंजाब का आम आदमी प्रभारी नियुक्त किया गया है। नगर परिषद हमीरपुर के 250 डिफॉल्टरों ने हाउस टैक्स पर कुंडली मार ली है। इनके पास नगर परिषद का 40 लाख रुपए फंसा हुआ है। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी ये डिफॉल्टर हाउस टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे। इनमें से कई उपभोक्ताओं का गृहकार 35 से 40 हजार रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि नगर परिषद अब अपनी राशि वसूल करने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। नगर परिषद की माने तो 35 से 40 हजार के ऋण तले दबे उपभोक्ताओं का फैसला अब कोर्ट करेगा। इनके नामों की सूची कोर्ट में प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद न्यायालय अपने हिसाब से गृहकार की वसूली करेगा। नगर परिषद हमीरपुर ने वर्ष 2016-17 में जो लोगों को गिरी करके बिल दिए थे, हाउस टैक्स के बिल दिए थे, उसमें हमारा कत्तीमार 2017 तक था लगभग 1.25 करोड़ रुपये जो था कलेक्शन हुई थी। और उसके अलावा हमारे पास डिफॉल्टर्स भी, मतलब जिन लोगों ने टैक्स समय पे अदा नहीं किया, वो भी कम से कम 30 से 35 लाख के बीच है, जिसमें लगभग 200-250 के करीब जो हैं लोग अभी डिफॉल्टर्स के रूप में हैं, जिसमें कुछ लोग थोड़े थोड़े टैक्स वाले भी हैं और कुछ जो हैं वो ज़्यादा टैक्स पे ही हैं। हरियाणा के अंबाला में बीते रोज एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर सबको लग रहा है कि हरियाणा की खट्टर सरकार के कार्यकाल में जंगल राज बनता जा रहा है। हाथों में डंडे लिए 6-7 गुंडे एक निहत्थे युवक को इतनी बुरी तरह पीट रहे हैं कि मानो उसे जान से मार देना चाहते हों। युवक कड़कड़ाती ठंड में बुरी तरह पीटता रहा और तमाशबीन बने लोग दूर खड़े वीडियो बनाते रहे। किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल युवक को गंभीर हालत में पीजीआई दाखिल करवाया गया है और युवक पर हमला करने वाले सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसके साथ झगड़ा करते थे पहले गाँव में झगड़ा था जी, हमारा केस चल रहा था इसके अदालत के अंदर, इसकी पेशी लगी जी लड़के की, इन्होंने फिर ये कारमा थे जी, मेरा लड़का पैदल था जी, इन्होंने सारा 5-7 लड़का मेरे लड़के मार पिटाई करी पूरी, जहाँ से मारने धमकी दी या तो कहा बयान बदल दो, अंत में सारा को मार दें जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद पेजी गए वहाँ चंडीगढ़ बत्ती में जी, वहाँ उसका जी लाज रहा जी, कुछ उसका जी फिर चोट चाट लग रही शर्मा सिर पट रहा जी का। क्या चाहते हो आप? तो भी हमारे को जी ये बंदे गिरफ्तार हुए जहाँ जी, हमारे को इंसाफ मिला जी। सर जी वो मेरा साला है नवाब सिंह जी, गांव कालगढ़ा जी उसका जी, वो अम्बाला सिटी शहर के अंदर कोर्ट के अंदर जी अपने बयान देने के लिए आ रहा था जी। दूसरी पार्टी ने जिनका केस चल रहा जी, वो दूसरी पार्टी ने आकर उसके ऊपर अटैक किया जी और उसको मारा और बोला हमारा गुंडा राज है, हम आपकी कोई कानून कार्रवाई कुछ नहीं होने देंगे। उस लड़के को काफ़ी चोट आई, उसको पीजीए रेफर किया गया सर। सर हम कानून कार्रवाई चाहते हैं सर और उन बंदों को गिरफ्तार किया जाए सर। ये कालगढ़ के रहने वाले हैं, आइडेंटिफाई हो गया है। मुदई के मतलब बयानों पे हमने जो लोग पीट रहे थे लड़के को, उनके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज कर दिया है और जिनके अरेस्ट के लिए 3 टीमें बना दी है ऑलरेडी। मतलब तीनों टीमें थाना बराड़ा के अकालगढ़ के गांव के रहने वाले हैं, पीड़ित भी जिसको लोगों ने पीटा है और जो पीटने वाले भी है। इनके पहले भी एक केस चल रहा था, जो इस केस में ये 75 नंबर FIR है थाना बराड़ा में दर्ज हो रखे। इसकी सुनवाई के लिए दोनों पक्ष आए हुए थे कोर्ट के अंदर, तो यहाँ कोर्ट से जाते टाइम में इनका पंचायत भवन के पास झगड़ा हुआ है, तो जैसे हमें सूचना मिली हमने तुरंत उसके बयान लेके पीड़ित के भाई के और इनके खिलाफ एक्शन। जनपद मैनपुरी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने के बाद उसको जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कुरावली थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में बीती 13 दिसंबर को यहां के रहने वाले एक व्यक्ति की नाबालिग लड़की को आरोपियों ने घर पर अकेला देख उसको बंधक बनाकर पहले तो उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। गंभीर हालत में जली हुई लड़की को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया जहां उसका ICU में उपचार चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गैंग रेप के एक आरोपी युवक सचिन गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज तो मेरे साथ, तो मैं
इंस्पेक्टर साहब के पास गई थी ना मैनपुरी, तो इन्हें पता चला मैं वहाँ गई, तो ये आज आए मेरे पास। मैं अंदर कमरे में बैठी थी, टीवी वाले कमरे में, और मेरे डैडी थे नहीं, मेरे डैडी कंट्रोल पे गए थे। मेरी मम्मी मेरी दीदी पढ़ाने जाती हैं, वहाँ गई थी स्कूल अपने। मेरा भाई भी नहीं था, अपने ऑफिस गया था, वो बीमा करता है। मैं अकेली थी घर में, छोटी छोटी बहनें थी, मेरी दादी थी, बहुत बुजुर्ग है मेरी दादी, बेचारी ना तो कम सुनाई देता उन्हें कम। क्या हुआ आज ये बताइए? आए वो लोग मेरे ऊपर, पता नहीं कौन सा तेल डाला, मिट्टी का ही था, मिट्टी का तेल डाला, मैं माच लगा, आग लगाई, मैं इतनी तेज चली। तीनों लड़कों ने? हाँ। कौन कौन, नाम बताइए? आशीष, सचिन और वो पंछी। इन लोगों ने पहले तुम्हारे साथ और भी होंगे गलत किया? तुम लोगों तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ। तीनों ने किया? हाँ। क्या गलत करने से मतलब है दुष्कर्म किया? हाँ। दुष्कर्म किया? हाँ। और संबंध कितने दिनों से हैं? इन लोगों ने दोस्ती बनाई थी? हाँ। अच्छा, क्या क्या बनाए? अगर हमसे नहीं मिलोगे हम तुम्हारे घर में, भाई पापा तुम्हारे घर में मार डालेंगे उन्हें। अच्छा। ये याद रखना, वो टैबलेट देते थे अपने माँ बाप को खिला देना। ये बेटा कब से चल रहा था तुम्हारे साथ? तो बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो तुमने ये बात अपनी मम्मी पापा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन लोगों ने इनको जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ हाँ। अच्छा। बस यही बात, अगर बता, अगर यही बात होती तो हम अपने घर में बच खराब है। गंभीर हालत में वो, इस समय बात भी नहीं कर रही, आईसीयू में, किसी से बोल भी नहीं सकते। और ये बता दो, भाई जा सकती है बचपन बच्चों की, और कोई नहीं जा सकता। गुहार लगाना चाहती हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ? बिल्कुल, गुहार लगाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से। क्या कहना चाहते कि हमें न्याय दिलाया जाए, और आर्थिक जो संकट से हम जूझ रहे हैं उसमें हमारी मदद करें, और बच्ची का इलाज करवाए। न्याय चाहते हैं हम, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मृत्युदंड, जिससे हो मेरी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो और हमारे यहाँ की किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं हो। मेरी बच्ची के साथ में कुछ दरिंदों ने तारीख 13 को आग लगा दी, जिससे मेरी बच्ची बहुत बुरी तरह से जल चुकी है, और जिसका तुरंत हमने कुरावली से जिला मैनपुरी के लिए दिखाया, मैनपुरी से रेफर सैपई के लिए कर दिया, सैपई से ये दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया है, और वहाँ हमारी बच्ची ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, और जिसकी जानकारी श्रीमान एसपी साहब डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी को है, जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम गुंडों को शीघ्र से शीघ्र इनको पकड़ कर हाजिर करेंगे, जिसमें अभी 4-5 दिन हो चुके हैं और वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। और श्रीमान एसपी साहब ने भी मुझसे कहा है कि हम आपको शासन से बहुत तुरंत राहत धनराशि आपको हम दिलवाते हैं, जिससे बच्ची का ट्रीटमेंट अच्छा हो सके। शासन से अभी तक हमें कोई भी राहत धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, या अब हमें बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानी हो रही है, और श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि ऐसे पीड़ितों को शीघ्र शीघ्र अत्र शीघ्र हेल्प मदद की जाए। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला यमुनानगर पहुंचे। जसविंदर भल्ला ने बताया कि जल्दी वे पंजाबी कॉमेडी मूवी कैरी ऑन जट्टा पार्ट 2 में सबको हंसाते मिलेंगे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के सफर में मिले अनुभवों को साझा करते हुए कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि कुछ समय के बाद राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं, और ऐसे में भल्ला के अनुसार उन्हें कई पार्टियों की तरफ से ऑफर भी आई है, लेकिन वह अपनी ही एक नई राजनीतिक पार्टी को तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री पता नहीं क्यों एड्डा प्यारा कल्चर है, एड्डे प्यारे डांसेस, फोक डांसेस ने मुंडे कुड़ियां दे, तुहाडे छोरे छोरियां दे, क्यों नहीं पंजाबी फिल्मों वाले ध्यान दे रहे? अपने हरियाणवी फिल्मों वाल क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जिस तरह पंजाबी फिल्मों बूमते ने, हरियाणवी फिल्मों क्यों नहीं हो सकदियां? सो मैं कई बार अपने आप को सवाल करता हूं भी एड्डा प्यारा कल्चर है हरियाणे ते पंजाब दा, ए क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ को? अगर कोई इनिशिएटिव लवे
ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖ ਬਰਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੇਖ ਬਰਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਐਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਹੈੱਡ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। 2-2.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਜੋਬ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ BSc MSc PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਵੱਕੋ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੋੜ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਛ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। अजीत समाचार के प्रधान संपादक परचिंदर सिंह हमदर्द का बाबा बुल्ले शाह की रचनाओं पर आधारित एल्बम आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रिलीज किया गया। इस अवसर पर मुख्य मेहमान के तौर पर स्थानीय निकाय व सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद रहे। इनके अलावा अकाली सांसद सुखदेव सिंह ढींसा और जालंधर जिले के तकरीबन सारे विधायक मौजूद रहे। इस एल्बम में खुद डॉक्टर हमदर्द ने आवाज दी है। सिद्धू ने हमदर्द के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि इसे पंजाबी विरसे और भाषा को एक नया बल मिलेगा। सिद्धू साहब, ये बड़ा नया तोहफा है पंजाब के लिए और बुल्ले साहब की जो संगीत है, जो मौसीकी है, उसको जिस तरह से इन्होंने गाया है। हमदर्द साहब का एक नैक है, ही सरप्राइजेस मी एवरी टाइम। मैं कदे ख्वाबो ख्याल दे विच नहीं सोच सकदा सीगा कि हमदर्द साहब की आवाज़ इन्नी सुरीली है और वो बाबे बुल्ले शाह नू जस्टिस कर सकते हैं, मंत्रमुग्ध कर दिता, वशीभूत कर दिता। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस वक्त अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई जब घने कोहरे के चलते एक के बाद एक 10 गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंची और जल्द ही रेस्क्यू करवाया गया। उकलाना में गुड़िया की 13वीं रस्म क्रिया आयोजित की गई, जिस दौरान गुड़िया की आत्मिक शांति के लिए हवन यज्ञ करवाया गया। इस श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे पीड़ित परिवार और संघर्ष समिति सहित अन्य संगठनों के लोगों द्वारा गुड़िया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। आज जो है हमारी गुड़िया बिटिया, जिसके साथ 8 दिसंबर को ये कुकृत्य हुआ था और उसका मर्डर हो गया था, तो आज उसकी 13वीं थी और जो धार्मिक संस्कार आज 13वीं का किया गया, हवन वगैरह, उसके अंदर आहुति डालने के लिए पूरी संघर्ष समिति जो है आज यहाँ पहुँची, गणमान्य लोग यहाँ पहुँचे, व्यापार मंडल के और सभी संगठनों के। तो बिटिया को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष समिति ने परिवार को पूरा आश्वासन दिया कि जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़े वकील के पास जाने के लिए, कोर्ट के अंदर, जिस भी जगह पर हमारी ज़रूरत होगी, हम पूर्ण साथ देने के लिए तैयार हैं। बटाला के सिविल हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को गंभीर अवस्था में लाया गया। बताया जा रहा है कि इस गर्भवती महिला को दहेज के खातिर उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर इतना मारा कि उसका गर्भपात हो गया। पीड़ित महिला को उसके मायके वालों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और इस सारे मामले की शिकायत पुलिस को दी, लेकिन पीड़ित महिला और उसके मायके वालों का आरोप है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। मेरे हस्बैंड ने मैनू पहला कुटिया, सास ने, देर ने, ननान, मामे सहुरियां दे 2 मुंडे जगरूप ते सिमरन, सर इन्हां ने रल के मैनू कुटिया। इन्हां ने, मैं प्रैगनेंट सी सर, इन्हां लत्तां नलां विच मारियां, बैक साइड मारियां, वाल वूल कुटे सर, इन्हां ने मैनू बहुत कुटिया सर। मैं छुट के जाके सर फोन किया, इन्हां फोन भी खोलिया मेरा, बाद विच मगरों थोड़ी ये डिमांड रखी है, कोई पुलिस वाला मेरी सुनवाई नहीं करन दिया। जे जिथे भी जाने हैं वो यही गल कहते हैं कि अं कुछ नहीं कर सकते, अपने घर जाओ, साल हो गया सर यो कुछ चलता पे। पहले आते भी सू विह दे दौ तो आप कुछ नहीं लेंदे देंगे, हूँ आते भी आप पैलियाँ वाले हाँ, सू गी दो कुटते भी सू गी चाहिए, अं पैलियाँ वाले हाँ, इन्नी पैली वाले तो लोग गड्डी देन डे, तुम कि देन डे। इस करके कुड़ी बहुत मारिया कुटिया, इन्हें फोन किया तो अं उतों जाके लेके आए, इन्हें बच्चे मारिया तो बच्चे का किराया। ये कोई ना 5-6 दिन पहला की गल है, भाई लवरूप कौर पत्नी हरदेव सिंह पिंड भामड़ी, ये लड़की पिछों पिंड पुरियां की आ, तो व्याई जेडे भामड़ी पिंड है,
ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਬੜੀ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में एक 3-स्टार होटल के प्रबंधक ने अपनी 10 वर्षीय बेटी को ही हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जांच करवा कर होटल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। लेडी ने ये तहरीर दी है, एप्लीकेशन दी है कि उसकी बच्ची के साथ उसका ही फादर, उसका पति उनके साथ गलत काम करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते पुलिस ने तत्काल इसमें थोड़ी इंक्वायरी करने को कहा, तो इसमें FIR दर्ज कर लिया है और बच्ची के बयान भी दर्ज करा लिया, मेडिकल भी करवा लिया गया। तो जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मुलजिम में एक यहाँ पर होटल में मैनेजर के पद पर यहाँ पर कार्यरत था और फिलहाल उसको जेल भेज दिया गया, अगर आवश्यकता हो तो फर्दर रिमांड। यमुनानगर में गुंडा राज थमने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में खाकी से बेकौफ बदमाश आए दिन खुलेआम वारदात को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला सामने आया यमुनानगर के विकास नगर से, जहां बदमाशों ने पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की बीच गली में जमकर लाठी डंडों से पिटाई की और खुद ही इस मार पिटाई की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। मैं मंडी से घर की तरफ घर आ रहा था, तभी 12-13 लोगों ने मेरे को विकास नगर में हमला कर दिया, जिनमें से मैं 4-5 को पहचानता हूँ, विकास और मिंटू और रोली और सुदेश पाकिस्तानी और बाकी अन्य थे। किस बात को लेकर झगड़ा? पहले गुरविंदर मेरा पार्टनर था, उसके रिश्तेदार हैं, इस बात पे पार्टनरशिप हमारे 1 महीना पहले ख़त्म हो चुकी थी, हिसाब साफ हो गया था, दिन लेन सारा क्लियर था, इसीलिए वो खुंदक रखता था। इसी बीच उसने, मैं मंडी से आ रहा था तभी मेरे पे इन्होंने हमला किया, मेरा चैन ले लिया 3 तोले का और 2.5 लाख रुपया था जो मेरे बैग से विकास ने ले लिया। वीडियो उन्होंने उसी ने बनाए, उन्हें लोग बनाए थे, उसके बाद उन्होंने थाने में वीडियो दिखाए थे। पुलिस ने उन्होंने नाम दिए 11-12 छोकरों को, जिनमें से पुलिस ने 4 के गिरफ्तार किया, बाकी को अभी कुछ कर ही नहीं रही पुलिस। कुछ लड़कों ने एक लड़के के साथ मारपीट की थी, हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर रखा है और उसमें 4 लड़कों को हमने अरेस्ट कर लिया है, उनको पेश कर दिया, वो जेल में है और जो लड़के बाकी लड़के हैं उनके लिए दबिश दे जा रही है और जैसे ही वो लड़के मिलेंगे उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। मारा इनका आपस में ना कोई आड़त, सब्जी मंडी की आड़त को लेकर आपसी कोई डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट के लिए इनका आपस में बैठ के कोई बात भी हुई थी, लेकिन फिर भी रंजिश थी, रंजिश में इन्होंने यह झगड़ा किया। वीडियो भी वायरल हो रहा है? हाँ, जो वीडियो वायरल हुई उसी आधार पर हम आगे भी जो लड़के हैं उसमें हमारे को दिखाई दे रहे हैं, उनको हमने कुछ को गिरफ्तार कर लिया, कुछ को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित के पास वीडियो आने के बाद वह और सहम गया, लेकिन उसने इस वीडियो को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान और पत्नी करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान 20 दिसंबर को 1 साल के हो जाएंगे। तैमूर का फर्स्ट बर्थडे काफी धूमधाम से मनाने की प्लानिंग चल रही है। इसी बीच तैमूर की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें तैमूर अली खान अपने पापा सैफ और मम्मी करीना के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर की खास बात यह है कि इसमें तैमूर अपने पापा सैफ से घुड़सवारी सीखते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में भी तैमूर ने अपनी क्यूटनेस से पूरी लाइमलाइट बटोर ली है। सलमान खान और कैटरीना कैफ जल्द ही अपनी रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रमोशन में लगे हुए हैं। हाल ही में फिल्म से एक वीडियो रिलीज किया गया है, जिसमें सलमान और कैटरीना फुल एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। एक्स मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई हैं। बता दें कि इंटरनेट पर सुष्मिता का एक वीडियो इन दिनों खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें सुष्मिता सेन कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। दरअसल सुष्मिता सेन मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज के फेस्ट में जा पहुंची। इस दौरान सुष्मिता ने सेंट एंड्रयूज कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ खूब मस्ती और डांस किया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी खूबसूरत बहू ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर काफी सुर्खियों में है। हाल ही में ऐश्वर्या के फैन क्लब ने अमिताभ बच्चन के साथ उनका एक क्यूट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ऐश्वर्या
मस्ती भरे ढंग से बिग बी को हक करती नजर आ रही हैं। ऐश्वर्या की मस्ती देखकर बिग बी थोड़े असहज भी नजर आ रहे हैं। तभी वो ऐश्वर्या से कहते हैं, आराध्या की तरह बर्ताव करना बंद करो। दरअसल ये वीडियो 2015 में आयोजित हुए स्टारडस्ट अवार्ड्स का है। इस दौरान ऐश्वर्या को अपनी कमबैक फिल्म जज्बा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, तो वहीं अमिताभ को फिल्म पा में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया गया था। एक्टर और कॉमेडियन नीरज वोरा की प्रेयर मीट सोमवार को सेंटा क्रूज मुंबई में आयोजित की गई। प्रेयर मीट में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हालांकि इस मौके पर कोई फेमस सेलिब्रिटी नजर नहीं आया।